तो इस समय मैं जंगल के अंदर आ चुका हूँ ये पूरा जंगली इलाका है यहाँ से आपको देखने के लिए मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर हमारे रेगिस्तान के अंदर इस तरह के जंगल इस तरह का पहाड़ी इलाका बहुत विरले ही देखने को मिलता है तो यहाँ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ़ हरियाली दिखाई देगी पहाड़ दिखाई देंगे पूरा का पूरा जंगली इलाका है पूरा जंगल दिखा ही दिखाई देगा आपको यहाँ पर तो ये आपको मैं अभी बता रहा हूँ ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर पहाड़ी है चारों तरफ से हरियाली है और बारिश होने की वजह से तो पूरा हरा भरा और ज़्यादा हो गई है हर तरफ़ आप जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको चारों तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली दिखाई देगी तो ये इस तरह की जंगली जो चीज़ें हैं यहाँ पर हमारे राजस्थान में बहुत कम है तो अभी आने वाले और भी मैं दूसरी चीज आपको दिखाऊंगा जहाँ पर अलग अलग जंगली जानवर है और यहाँ पर इस जगह को अंग्रेज़ों ने जेल इसलिए बनाई थी क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से आपको भागने का जो अवसर बहुत कम मिलता था यहाँ आस पास में मानव बस्ती बहुत कम थी इसलिए कोई भी इनको बचा नहीं सकता था इसलिए अंग्रेज़ों ने इसको जेल के रूप में चुना था मैं आपको पूरी सारी चीज़ें अभी यहाँ एक्सप्लेन करूँगा एक्सप्लोर करूँगा बहुत अच्छा वीडियो होने वाला तो वीडियो में बने रहेगा पूरा वीडियो देखेगा और फिर बताएगा कि आपको ये वीडियो गीदड़ों का इलाका है यहाँ पर ये गीदड़ चार से पाँच अपने ग्रुप के अंदर बैठे हैं और ये यहाँ से देख सकते हैं चारों तरफ से अभी खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ तो अभी हम बाघ की गुफा के अंदर आए थे बाघ को देखने के लिए लेकिन बाघ अंदर सो रहा है और यहाँ से ये पूरा उसका बना हुआ है और इधर से ये पीछे देख सकते हैं बाघ तेंदुआ उनका ये रहने के लिए बनाया गया है बहुत लंबा एरिया है और इससे जस्ट ये लास्ट और इस पहाड़ी का लास्ट इलाका है अभी भालू पानी पी रहा है और पानी के पास में इनका ये बना हुआ है और दूसरा इसका जो साथी है वो उधर बैठा हुआ है और ये जो पीछे आप रूम देख रहे हैं ये आ, कमरे बने हुए जो अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए ये जेल के तौर पर अंग्रेज़ यहाँ पर कैदियों को कैद रखे थे और मैं आगे और भी ऐसे अलग अलग बताऊँगा अलग अलग जगह पर इनके कैदियों के लिए बनाए गए थे जहाँ पर अंग्रेज़ अपने टाइम में जो क्रांतिकारी होते थे उनको यहाँ ला कैद करते थे तो ये था जोधपुर का माचिया पार्क जो हमने आपको अभी बताया इसका ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्व है क्योंकि यहाँ पर पुराने टाइम में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंग्रेज़ लोग यहाँ पर भारतीय स्वतंत्र सेनानी को कैद रखते थे यहाँ पर कई स्वतंत्र सेनानी को कैद किया गया था तो ये ऐतिहासिक रूप से राजस्थान के लिए भारत की क्रांति के लिए बहुत महत्व रखता है ये स्थान और यहाँ का पूरा आसपास का जो एरिया मैंने आपको दिखाया जंगल का चारों तरफ का एरिया बहुत ही शानदार व्यू यहाँ पर देखने के लिए बहुत अच्छी जगह है तो अगर आप जोधपुर आते हो कभी भी तो आपको यहाँ पर एक बार आके जाना चाहिए बहुत ही अच्छी जगह है देखने लायक तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके हमें जरूर बताएगा और मैं ट्राई करूंगा मेरे आने वाले वीडियो में और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करूँ ऐसे ही शानदार ऐतिहासिक एतिया... चीजें ऐसे ही शानदार ट्रेवलिंग की जो मैं जहां पर भी नई नई जगह पर जाऊँगा वो सारी चीज़ें अपने चैनल पर नई नई वीडियोज लाकर आपको बताऊँगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो को लाइक करके कमेंट करके हमें हमको जरूर बताएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा